विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देखिए, मेरे चैनल को आप अगर देख रहे हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकूं। चलो, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न क्या कह रहा है? आकृति, ये जो आकृति है, इसमें आकृति में यदि ई एफ समानांतर डी सी समानांतर ए बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए ई बट्टा ई डी बराबर बी एफ बट्टा एफ सी। यानी हमें प्रश्न के अंदर जो है क्या क्या बातें दी हुई है, तो हमें दिया है, ये मैं प्रश्न से ही ले रहा हूँ, है ना, क्या दिया हुआ है कि जो ये आपके ए बी है, ये वाली भुजा ए बी, वो समानांतर है इस ई एफ के और ये समानांतर है सी और डी के। यानी ये तीनों ही भुजाएं आपस में क्या है, समानांतर है। और अगर ये समानांतर है तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना ए ई बट्टा ई डी बराबर बी एफ बट्टा एफ सी। यानी ए ई कहाँ पर है, ए ई ये वाली भुजा बट्टा ई डी ये वाली भुजा, बी एफ ये वाली भुजा बट्टा एफ सी, ये समान अनुपात में है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम एक प्रमेय पढ़ चुके हैं, क्या प्रमेय पढ़ चुके हैं कि अगर कोई त्रिभुज है हमारे पास में और तीसरी भुजा के समानांतर हमने एक रेखा खींच दी, ठीक है, तो ये भुजा इस भुजा का अनुपात और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन ये शर्त कब होती है, जब एक दो समानांतर रेखाएं हो, ठीक है, और यहाँ पर हमें तीन समानांतर रेखाएं दे दी लेकिन कहीं भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, कहीं भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, देखो रचना हम ये करते हैं कि हम इस ए को सी से मिला देते हैं, तो अब हमारे पास दो त्रिभुज बनेंगे, ए व सी को मिलाया, और जैसे ही हमने ए और सी को मिलाया हमारे पास दो त्रिभुज बने जिसमें दो समानांतर रेखाएं। देखो, एक तो ये त्रिभुज हो गया ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में कौन कौन समानांतर है, भाई ये तीनों भुजा आपस में समानांतर है तो पक्का ये और ये भुजा आपस में क्या होगी, समानांतर होगी। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ ओ, ई ओ बट समानांतर है किसके है, समानांतर डी सी के, ई ओ समानांतर है डी सी के, और जब समानांतर है तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। चलो, तो मैं कह सकता हूँ कि ए ई बट्टा ई डी बराबर होगा ए ओ बट्टा ओ सी के। कहाँ से आया, आनुपातिक आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से, है ना, इसको बी पी टी भी बोलते हैं, कि बाई बी पी टी ऐसा कर देते, चलो बाई बी पी टी। अच्छा, ये चीज़ आ गई, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर एक। अब मैं एक त्रिभुज और ले रहा हूँ, कौन सा त्रिभुज, देखो एक तो ये त्रिभुज हो गया, अब ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, समझ में आया, इसमें भी देखो ये भुजा और ये भुजा समानांतर है तो इसमें भी ऐसा अनुपात हमको मिल सकता है। तो अब मैं ले रहा हूँ त्रिभुज सी बी ए में कौन कौन सी भुजा समानांतर है, ए बी समानांतर है ओ एफ, ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए ओ बट्टा ओ सी, ए ओ बट्टा ओ सी बराबर होगा बी एफ बट्टा एफ सी, है ना, समीकरण नंबर दो। अब आप समीकरण एक और एक दो को ध्यान से देखो, ये भी कहाँ से आया, भाई बी पी टी, समानांतर तो अनुपात बराबर। अब समीकरण एक और दो को बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पर भी ए ओ बट्टा ओ सी है, यहाँ पर भी ए ओ बट्टा ओ सी है, तो मैं इस ए ओ बट्टा ओ सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए ई बट्टा ई डी लिख सकता हूँ, है ना। तो समीकरण एक व दो से इस ए ओ बट्टा ओ सी की जगह मैं लिखूँगा ए ई बट्टा ई डी बराबर होगा बी एफ बट्टा एफ सी, और यही हमें सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो चुका है, इति सिद्धम। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करो। संख्या 7, प्रश्न है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं मैं ए
बी सी और डी। आगे क्या कह रहा है प्रश्न? जिसकी भुजा BC पर कोई बिंदु P स्थित है। अब इस BC पर एक बिंदु है हमारे पास में जिसका नाम क्या है? P है, ठीक है। अब यदि DP और AB को आगे बढ़ाया जाए तो L पर मिलते हैं। यदि DP इस भुजा को DP मैंने आगे बढ़ाया और AB को आगे बढ़ाया तो ये कहाँ पर मिलते हैं? L पर मिलते हैं, ये L पर मिल गया, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है DP बटा PL बराबर DC बटा BL, और दूसरा DL बटा DP बराबर AL बटा DC, ये हमें सिद्ध करना है। और हमें प्रश्न के अंदर ये साफ कह रहा है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, कौन? AB और CD। हम जानते हैं कि जो समान देखो जो चीज़ दी जाती है ना उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है ना। हमें दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो ABCD समांतर चतुर्भुज, इसका मतलब है कि जो ये AB है वो समानांतर होगा इस DC के, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। एक तो ये हो गया, और ये भुजा भी आपस में क्या होगी? समानांतर होगी। AD समानांतर होगी BC के, ये भी चीज होगी, ये भी हमें दिया हुआ है इसका मतलब। और क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है। तो मैं कहूंगा कि AB बराबर होगा DC के और AD बराबर होगा BC के। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एक समांतर चतुर्भुज दिया है तो आप अपने हिसाब से ये लिख सकते हैं कि हमें दिया हुआ है ये भुजा आपस में समानांतर होगी और बराबर भी होगी। ये बात समझ में आई? अब हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो जब सिद्ध कब होगी? जब इसी में से अपने को इसको सिद्ध करना होगा, जो दिया हुआ है उसी में से आपको सिद्ध करना होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। उसमें क्या होता है? त्रिभुज होता है और दो भुजाएं आपस में समानांतर होती है। अब यहाँ पर त्रिभुज कहाँ बन रहा है? देखो तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हमारे पास ये त्रिभुज बन रहा है एक, जिसमें ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? समानांतर है ना। तो मैं ले रहा हूँ त्रिभुज ए डी एल में, ये समानांतर। अब हम जानते हैं कि दिया हुआ है कि जो ये भुजा है ए डी जो है वो समानांतर किसके है? BC के, और ये इसकी शॉर्ट यानी छोटी भुजा है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ चूंकि लिए जो ए डी भुजा है वो समानांतर होगी BP के। अब जब ये समानांतर है तो कौन सा थ्योरम लगाना है? BPT है ना, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। उसमें क्या होता है कि जब दो भुजाएं आपस समानांतर होती है इनका अनुपात भी क्या होता है? बराबर। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर सिद्ध करने में कहाँ से स्टार्ट किया इसने? DP से। तो अपने को भी यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं कह सकता हूँ कि DP बट्टा PL इस भुजा का अनुपात और AB बट्टा BL अनुपात बराबर होगा कहाँ से आया? बाई BPT। जब समांतर भुजाएं हो त्रिभुज में तो इनका अनुपात आपस में बराबर होता है। ये हमारे पास में प्रमेय है। अब हमारे पास सिद्ध तो करना है DP बटा PL, यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ AB की जगह क्या है? DC है। अब क्या करें? तो हमें पता है कि दिया हुआ है कि जो ये AB भुजा है वो किसके बराबर है? DC के बराबर है ना। अब दिया है कहाँ से कि AB बराबर है DC के। कहाँ से आया कि हमें दिया हुआ है? क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो मैं AB की जगह क्या रख सकता हूँ? DC रख सकता हूँ। समीकरण एक में हम क्या करेंगे? इस DP बटा PL बराबर AB की जगह क्या रख देंगे? DC रख देंगे, DC बटा BL। ये एक बात तो हमारे पास में सिद्ध हो गई, पहली बात तो सिद्ध हो गई। अब दूसरी बात को सिद्ध करते हैं। ये पहली बात तो सिद्ध हो गई, अब दूसरी बात को सिद्ध करते हैं अपन, ठीक है। क्या करेंगे? देखो ये जो हमारे पास में समीकरण एक आया है ना, इसे वापस लिखना। समीकरण एक को पुनः लिखने पर तो हम लिखेंगे इसको DL बट्टा PL बराबर AB बट्टा BL। अब क्या करो? इसको उल्टा कर दो, यहाँ से भी उल्टा और यहाँ से भी उल्टा। PL बट्टा DL बराबर BL बट्टा AB। अब इसके दोनों तरफ एक एक जोड़ो, है ना। मैं यहाँ क्या करूँगा? देखो दोनों तरफ एक जोड़ने पर, और जैसे ही हम दोनों तरफ एक जोड़ेंगे क्या होगा? देखो PL बट्टा DL, एक मिनट रुकना,
ये क्या था अपने पास में, डीपी है, सॉरी डीपी बटा पीएल, ए बी बटा बीएल, तो यहाँ हमने उल्टा किया तो नीचे आ गया डीपी, यहाँ डीपी होगा पीएल बटा डीपी प्लस एक, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे और इसमें भी बीएल बटा ए बी प्लस एक जोड़ेंगे। अब इनका हमें लेना है लसफ, क्योंकि बटे से वाली संख्या को हमेशा किससे जोड़ते हैं, एलसीएम में, एलसीएम से जोड़ते हैं, तो इसका लसफ यहाँ पर बटा एक, इन दोनों का गुणा करेंगे वो आएगा डीपी, इन दोनों का भी गुणा करेंगे यहाँ आएगा ए बी। अब क्रॉस गुणा, इसका गुणा इससे पी एल प्लस इसका गुणा इससे डी पी, क्रॉस गुणा बी एल प्लस ए बी। अब जो भुजाएं जुड़ी है त्रिभुज में देखो क्या आ रही है, पी एल, तो ये मेरे पास पी एल, डी पी, ये मेरे पास डी पी, पूरी भुजा आ गई, क्या आ गई, डी और एल आ गई, यहाँ पे डी एल आ रही है, ठीक है, तो डी एल आ गई बट्टा डी पी। यहाँ देखो डी पी नीचे, यहाँ डी पी है, चलो डी पी बराबर बी एल प्लस ए बी, बी एल प्लस ए बी, ये पूरी भुजा आ रही है, तो इसकी जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए एल बट्टा ए बी। क्या ये सिद्ध हो रहा है क्या, देखो डी एल बट्टा डी पी यहाँ तो आ रहा है, ए एल बट्टा नीचे आ रहा है डी सी, तो डी सी कहाँ है देखो यहाँ है, और ए बी, ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है, तो इस ए बी की जगह मैं डी सी लिख सकता हूँ, तो डी एल बट्टा डी पी बराबर ए एल बट्टा डी सी, क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। यहाँ पर आप लिखना ए एल जो है वो डी सी के क्या है, बराबर है, तो ये हमारे पास में सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। चलो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहो, है ना।